आईफोन में ऐप अनइंस्टॉल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जो है कहीं दूसरे वेबसाइट से कोई अलग तरीके का ऐप अपने आईफोन में डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि मॉड वाला या दूसरा कोई भी ऐप आपने जो है अपने आईफोन में डाउनलोड करके रखा है, तो उसको आप जो है कैसे यहाँ पर अनइंस्टॉल कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ए टू जेड समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके का ऐप है, ये वाला और ये वाला, जिसको मैंने जो है वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड कर रखा था। तो ये जो ऐप है वो जो है अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले तो प्रॉब्लम आ रहा है उसको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम आता है। अगर हम जो है अपने आईफोन में किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, यानी कि डिलीट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो कैसे करते हैं, आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना होता है, और प्रेस करके रखोगे तो इस तरीके से भी आपको बटन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से आप जो है करोगे तो यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए आ जाता है ऑप्शन। और यहाँ पे आप जो है थोड़े देर इसको प्रेस करके रखे रहोगे इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे आपको डिलीट ऐप का तो ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए, हम यहाँ पे डिलीट ऐप कर देंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो ये अनइंस्टॉल हो गया है। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट बुक मार्क आता है, डिलीट करने के लिए ऐप को नहीं आता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर डिलीट करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ से ये गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कहीं पे वो रहेगा, मतलब इंस्टॉल होकर रहता है। तो उसको हम जो है कैसे सही तरीके से डिलीट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आता है, ये देखिए, रिमूव ऐप करके, अनइंस्टॉल ऐप करके, लेकिन इसमें आपका जो है दूसरा ऑप्शन आता है। तो इसको सही से कैसे डिलीट करते हैं अपने आईफोन में, चलिए बताता हूँ। उसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो समझ लेना है, आप जो है अगर किसी ब्राउज़र के थ्रू या दूसरा साइट वगैरह से डाउनलोड किए हो ऐप, तो वो जो है आपको अनइंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए आपको जो है अपने आईफोन में सेटिंग ऐप को ओपन करना है। जी दोस्तों, सेटिंग ऐप को आपको ओपन कर लेना है अपने आईफोन में। और सेटिंग ऐप को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर उसका प्रोफाइल बना रहता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने सेटिंग ऐप को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम जो है स्क्रीन टाइम पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इस पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, हमने जो है इसको डाउनलोड कर रखा था प्रोफाइल यानी कि वेबसाइट वगैरह से, तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सही से यहाँ पे रिमूव प्रोफाइल करके यहाँ पे अपना जो आईफोन का जो पासवर्ड है वो डालेंगे और यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए, नीचे में आ रहा है रिमूव का ऑप्शन, तो ये देखिए सही तरीके से रिमूव हो गया है, अनइंस्टॉल हो गया है ये वाला ऐप। और ये दूसरा वाला ऐप है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये वाला ऐप है, ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ रिमूव करेंगे, देखिए यहाँ से हम डिलीट बुक मार होता है, यहाँ पे डिलीट नहीं होता है। और यहाँ पे अगर मैं जो है सर्च करूँ, जैसे कि यहाँ पे सर्च करूँ, यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कोई नहीं, बाकी कभी कभी अनइंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको इसी तरीके से आ जाना रहता है। और आने के बाद जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा मैं और उसके बाद यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये सही तरीके से ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में जो ऐप है वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आप इस तरीके से प्रोफाइल को रिमूव कर दोगे तो जो ऐप है वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपके जो आईफोन है उस पर ऐप जो है अनइंस्टॉल या डिलीट या रिमूव नहीं होता है, तो इस तरीके से आप प्रोफाइल को डिलीट कर दो। प्रोफाइल को जैसे ही आप डिलीट करोगे, यहाँ से जो ऐप रहेगा जिसको आपने कहीं साइट वगैरह से डाउनलोड कर रखा है, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।